अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मौजूद हूँ लाहौर में एक बहुत ही अच्छे और बड़े शौकीन जनाब आमिर डोगर भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम आमिर डोगर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए आमिर भाई, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्लाह का। और आमिर भाई ने जी फैसलाबाद बकरा शो बी कैटेगरी के लिए काला डब्बा तैयार किया था जो कि आपको दिखाने लगे हैं। आमिर डोगर भाई, सबसे पहले इसके बारे में कुछ बताइएगा, कितने टाइम की मेहनत है आपकी इसके ऊपर? इसको मैंने 6 महीने में तैयार किया है। 6 महीने में जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। और ये जब आपके पास आया था दांतों से क्या था और अब क्या दांतों से? ये 6 दांत था, अभी इसने रिसेंटली जो है ना अपने दांत पूरे किए हैं। अब रिसेंटली पूरे किए हैं। तो आमिर भाई, फैसलाबाद बकरा शो में बी कैटेगरी कैंसिल हो गई थी जी जी, तो अब ये बकरा नेक्स्ट ईयर के लिए रोकेंगे? इंशाल्लाह अगले साल के लिए रोका है जी। ठीक हो गया माशाल्लाह। बाकी इसका वेट आपने शो से पहले किया था? जी बिल्कुल, इसका वेट किया था हम लोगों ने 187 किलो 300 ग्राम। और ये शो से कितना पहले किया था आपने? शो से कुछ तकरीबन 1.5 महीना पहले ये वेट किया था। 1.5 महीना पहले। बाकी आप लोग बकरा देख सकते हैं जी, माशाल्लाह कान देखें, इसकी झालर देखें, बहुत खूबसूरत है। ये देखें जी सीना। अच्छी चीज़ ये है कि आमिर भाई ने अपने हाथ से तैयार किया जी ये। बाकी आमिर भाई, जब आप पलाई के लिए कोई भी बकरा सिलेक्ट करते हैं जी जी, अंदर उसके क्या क्या चीज़ें देखते हैं जो कि होनी चाहिए? और भी सबसे पहले तो जानवर की ना कैपेसिटी देखी जाती है, क्या जानवर वेट उठाने के काबिल है नहीं है। अच्छा, जानवर की हड्डियाँ जो है वो खुद ब खुद ही दिखा देती है अपना अपना जी। और जानवर जो है लंबा होना चाहिए, हाइट इतना मायने नहीं रखती, लेकिन ये कि जानवर की लेंथ बहुत मायने रखती है। ठीक हो गया माशाल्लाह। और आमिर भाई, लास्ट ईयर भी आपने बकरा तैयार किया था माशाल्लाह से, बड़ा उसने नाम कमाया है गोल्डन जी। वो मैंने जब बकरा लिया था वो उस बकरे की उम्र 2 महीने थी, और वो जब उसको लोगों ने कुर्बानी किया था माशाल्लाह उसका 207 kg वेट हुआ था उसमें माशाल्लाह। और उस पर कितना टाइम की मेहनत थी? उसको मैंने 2 साल में तैयार किया था, उसकी टोटल जो उम्र है ना वो 2 साल और 2 महीने, उसकी टोटल उम्र में मैंने उसको कुर्बानी कर दिया था। ठीक हो गया। वैसे अब तक जितने बकरे आपने तैयार किए हैं सबसे हैवी कौन सा हुआ है? और भी अगर ये बकरा मेले में जाता तो ये बकरा सबसे हैवी होना था। अच्छा, वेट के हिसाब से। ठीक हो गया। लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली जो मेला है वो आपको पता है वो जो कैंसिल हो गया जी, उसकी वजह से हाथ आपने जरा, जिस दिन से मेला कैंसिल हुआ उसी दिन से इस बकरे को जो है ना छोड़ दिया। अभी ये बकरा अपने मुंह से पट्टे खा रहा और मुंह से वांडदाना खा। ईद के बाद इसको इंशाल्लाह फिर शुरू करूंगा। ठीक हो गया। बाकी आमिर भाई डाइट में, इसको खुराक में क्या क्या दे रहे हैं? ओन भाई जब इसकी तैयारी में थी तब इसको मैं दे रहा था, सुबह के टाइम जो इसको मैं आधा पाव मक्खन देता था। अच्छा, फिर उसके बाद इसको कुछ 6 से 7 किलो पट्टे देता था जी, और दोपहर के टाइम फिर इसको 3 किलो दही की लस्सी बना के देता था, रात के टाइम 1 किलो दाना 1 किलो गंदुम, और फिर उसके बाद 2 किलो इसको दूध पिलाता था। ये माशाल्लाह डाइट थी जी, इसकी डाइट थी। तो हाजमे के लिए भी आमिर भाई कुछ डेली बेसिस पे देना पड़ता है? हाजमे के लिए नहीं, डेली बेसिस पे नहीं देना पड़ता, डिपेंड करता है जब जानवर जो है ना अपनी मेंगने तोड़नी शुरू कर दे, यानी अजीब तरह से मेंगने करनी शुरू कर देना, तो फिर मैं गर्मियों में इसको देता हूँ सब्ज चटनी जी, और सर्दियों में जो फिर वो एक मसाला बनाया होता है उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, सर्दी में फिर वो देते हैं उसको। बाकी आमिर भाई जो भी बकरा तैयार करता है वो उस्ताद ही होता है, क्योंकि एक एक चीज़ पे उसने नज़र रखनी होती है पूरी। वैसे भाई जानवर खुद उस्ताद है, जब आप किसी जानवर को आप 1 साल संभाल लेते हो ना जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जानवर जो है अगले साल के लिए आपको बहुत बहुत कुछ सीखने के लिए दे जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी आप फैसलाबाद शो पे गए थे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा देख के? बड़ा मज़ा आया जी फैसलाबाद शो पे, और इस दफ़ा जो चीने ने रिकॉर्ड कायम किया है वो तो लोगों के सोच से बाहर हो गया ना कि चीना 310 किलो तोल सकता है जी जी, और सेकंड नंबर पे भी चीना ही आया। सेकंड नंबर पे भी 301 किलो चीना आया आतिफ भाई का जी, लेकिन ये चीने जरा झंग वाली साइड, जो चीना पहले नंबर पे आया ना वो उस चीने में ये है कि वो थोड़ा सा क्रॉस था बीतल का, ठीक है, और लेकिन जो दूसरे नंबर पे है ना वो तो प्योर चीना ही था। प्योर चीना ही था। इससे पहले ये ट्रेंड था कि लोग समझते थे चीना शायद तुलता ही नहीं है या तुल नहीं सकता। जो आपको ये जो बकरे नजर आ रहे हैं और जो मेरे पास दूसरे दो बकरे, ये भी उसी ट्रेंड का ही नतीजा है। अच्छा, काले डब्बे और लाल डब्बे बकरे तुलते हैं, लेकिन ये तो बात है आमिर भाई ज्यादातर अभी तक यही आए हैं काले डब्बे लाल डब्बे, चीना का तो फर्स्ट। मैं आपको बताता हूँ ये पिछले कुछ सालों से ऐसा होना शुरू हुआ है, और उससे पहले जो है ना 2010 में चीना तुला था 280 किलो मुल्तान का। अच्छा, और अगर वो उस हिसाब से देखा जाए तो 2010 में वो बकरा 280 किलो तुला है जी, मतलब कि चीने शुरू से ही वेट करते हैं, लेकिन सिर्फ ये कि लोगों का माइंड कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो गया हुआ था, लोग सिर्फ काले डब्बे लाल डब्बे की तरफ ज्यादा जाते थे। बाकी आमिर भाई जब जानवर सिलेक्ट करते हैं इनमें टांगों का भी अमल दखल होता है इनकी? 100% बात है, क्योंकि जो मेन चीज होती है ना, मेन चीज ये होती है कि जानवर जो है ना पीछे वाली टांगे जो है ना जी जी, वो आपस में ऐसे मिलाता ना हो, अगर जानवर आपस में टांगे ऐसे मिलाएगा तो जानवर कभी भी वेट नहीं पकड़ेगा, वेट नहीं उठाएगा, बैठ जाएगा, थोड़ा सा वजन होगा आपका बकरा बैठ जाएगा। जब तैयारी पे लगाएंगे फिर उसकी टांगे फिर जाएंगे, वो परेशान करेगा आपको।
माशाल्लाह। तो आमिर भाई ये बकरा फिर नेक्स्ट ईयर के लिए यानी शो में लेके जाएंगे फिर इंशाल्लाह एक कैटेगरी में जाएगा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत है आमिर भाई की और इनको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। जानवर देख सकते हैं आप लोग स्किन में गुंजाइश देख सकते हैं और अभी काफ़ी टाइम हो गया जी आमिर भाई ने हाथ पे अब नहीं लगाया ये इस बकरे को 47 दिन हो गए मैंने वंड नहीं दी 47 दिन से माशाल्लाह 47 दिन से पट्टे अपने मुंह से खा रहा है जी क्योंकि इसको अगले साल के लिए रोकना था तो इसको मुझे थोड़ा सा जो है ना वो इसका नीचे वेट कम करना पड़ा। इस बकरे ने जो है ऑलमोस्ट 20 से 25 केजी जो है ना अपना वेट कम किया 20 से 25 केजी नीचे। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी जी और जब वो जब बी कैटेगरी कैंसिल हो गई फिर वो गर्मी की वजह से फिर इस पे जो है ना वो इसको चलाना थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल हो गया था जी जी क्योंकि वो दिल बुझ गया था ना वो बी कैटेगरी कैंसिल निकले ऐसे। बाकी आमिर भाई कितना टाइम देना पड़ता है अगर बकरा एक तैयार किया जाए कौन भाई अगर तो मेरे ख्याल से 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को आप जानवर को दें तो बकरा अल्हम्दुलिल्लाह आपका जानवर तैयार हो जाएगा और अच्छा तैयार होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी माशाल्लाह। और आमिर भाई ये आपने मेहनत की है सर अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया नहीं आजकल तो कुछ लोगों के पास मैं जा रहा हूँ रहीम यार खान से भी लोगों ने लड़के जो है वो रखे हुए हैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने जानवर तैयार किए हैं मैंने अपने हाथ से ही तैयार किए अपने और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हर जानवर जो है ना कुछ सीखने के लिए देखे जाता है जी और मज़ा भी उसी चीज का। अच्छा क्या सिखाया आमिर भाई जरा बताएं भी भाई। देखिए सबसे बड़ी बात पता क्या होती है जब आपके जानवर के नाम के अगर मेला लग जाता है ना कि आपने बकरा वहाँ पे लेके जाना है जी जी फिर आपको सोते जागते सिर्फ एक ही बात ज़हन में होती है यार अब मैंने मेरे बकरे का इस चीज़ का टाइम हो गया बकरे का इस चीज़ का टाइम हो गया मतलब आप कह लें आपका जो एक कैलेंडर की तरह आपको चलना पड़ता है। अच्छा आमिर भाई टाइम की इसमें ज़्यादा पाबंदी करनी पड़ती है अगर एक दिन 10 बजे वन दे रहे हैं सुबह तो नेक्स्ट डे भी उतने बजे देनी पड़ेगी या आप लेट हो जाएंगे तो आपको जो उसके बाद वाली खुराक है वो छोड़नी पड़ेगी मतलब देखें अगर आप वंड के बाद पट्टे देते हैं जी जी आप 2 घंटे वंड आपकी लेट हो गई है तो आपको जो बाद वाले पट्टे हैं ना वो छोड़ने पड़ेंगे ठीक हो क्योंकि आपको अगर जानवर पूरी चुगाली करेगा नहीं तो अगली खुराक नहीं लेगा ऐसे ही है यानी बाकी काफी पाबंदी करनी पड़ती है जी 100% पाबंदी ठीक हो। आमिर भाई इसको थोड़ा चला दे फिर इससे इस बकरे को भी दिखाते हैं दूसरे को भी माशाल्लाह इसकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट ईयर भी प्रोग्रेस दिखाएंगे आपको जी जी। चैनल के पोस्टों से एक बात ये करना चाहूंगा जी जी कुछ लोगों के ख्याल में बकरा जो है वो बगैर स्टीरॉइड के तैयार नहीं होता ऐसे ही है ठीक है और मैं बड़ा बोल नहीं बोलूंगा उन बंदों को मैं आपके चैनल के पोस्टों से चैलेंज करूंगा जिन्होंने मुझे ये कहा था कि बकरा स्टीरॉइड के बगैर तैयार नहीं होता ठीक है। साल में 365 दिन होते हैं बिल्कुल 365 दिनों में जब उनका दिल करे आके मेरे बकरे का पेशाब और मैग्नेट टेस्ट करवा सकते हैं ठीक हो मैंने बकरे को कुछ स्टीरॉइड को नहीं दिया जो बकरे खुद पाल नहीं सकते ना जी जी वो ये बात करते हैं और उन्हीं बंदों को आपको चैनल के दोस्तों से अगले साल 10 किलो की छूट के साथ मैं चैलेंज करता हूँ ठीक हो मेरे से बकरा तो ले अगले साल 10 किलो की छूट के साथ 10 किलो की छूट के साथ माशाल्लाह जी माशाल्लाह से आमिर भाई का एक और बकरा दिखाने लगे हैं। आमिर भाई इसके बारे में बताइएगा कौन भाई ये बकरा इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको जिंदगी दे और मुझे हिम्मत है ये बकरा 2022 के लिए जी 2022 के लिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसकी हाइट जो है वो 46 है 46 हाइट है 6 दांत है अभी 6 दांत है और इसकी जो लेंथ है वो 62 है 62 तो आमिर भाई ये तो यानी ए कैटेगरी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से वाले ही है माशाल्लाह किस तरह से ये देखें जी तो आमिर भाई ये हाथ पे कब लगाएंगे अगले साल के बाद कौन भाई इंशाल्लाह अगले साल जैसे उस बकरे की कुर्बानी होगी जी जी फिर इंशाल्लाह इस बकरे को पकड़ूंगा। अरे वो बकरा बाहर लाया था माशाल्लाह ये फेस देख सकते हैं इसका जी। आमिर भाई की अच्छी बात ये है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे जानवर सिलेक्ट करते हैं जानवर सिलेक्ट करना भी आमिर भाई एक बहुत ये वाला बकरा 20,000 रुपए का परचेज किया होगा ये वाला 20,000 का जी तो ये कितना टाइम पहले की बात है ये इसको मेरे पास हो गए 2 साल हो गए 2 साल हो गए माशाल्लाह यानी छोटा था आपने छोटा था बच्चा था 20,000 रुपए में सर जी तो आमिर भाई लोग तो लाखों में भी लेते हैं भाई मेरे पास लाखों है नहीं नहीं वैसे लोग लेते हैं आजकल तो जी बिल्कुल लेते हैं आपको भी पता है कितने कितने लाख का क्या क्या बिक रहा है बिल्कुल ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जब थोड़े पैसों में अच्छा शो हो जाता है जी जी क्योंकि सबसे बड़ी बात पता है क्या है मैं अपने हाथ से जानवर संभालता हूँ जी अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है जो सबसे बड़ी बात जो है ना मुझे पता है कि यार ये बच्चा जो है ना ये कहाँ पे चला जाएगा माशाल्लाह। और आमिर भाई ये जो काला डब्बा था भाई ये लिया है 95,000 रुपए का 95,000 रुपए हाँ जी माशाल्लाह। फेस देखें जी इसका कलर देखें बहुत खूबसूरत है
आमिर भाई ये अंदाजन और कितनी हाइट बढ़ा जाएगा? भाई ये 4 इंच का दूर करेगा, ये 50 प्लस जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और लेंथ इसकी? लेंथ अल्लाह के हुक्म से, ये अल्लाह की बड़ी उम्मीद है ये 67-68 पे जाएगा। 67-68 पे, क्योंकि ऐसी हाइट लेंथ में बकरे कम ही अभी बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं आजकल, तो वैसे ही नायाब हो गए हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि 20,000 आमिर भाई जानवर सेलेक्ट करना भी मैंने कहा एक बड़ा मुश्किल काम होता है। बेसिकली ना उन भी सीन असल ये है कि जैसे ही आप एक साल जानवर रख लोगे ना, जी जी, अगले साल आपको खुद समझ आ जाए कि आपने कैसा जानवर रखा। जी, और हर साल शौक बेहतर से बेहतर हो रहा है जी। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ताला हर साल जो है ना कुछ नया सीखने को शुक्र अल्लाह पाक का मिल जाता है जी। पहले मेरे दिल में यही कॉन्सेप्ट था कि जी जानवर जो है वो 1-2 लाख रुपए का लेंगे तो तैयार होगा, लेकिन अब अल्लाह ताला का शुक्र है ये बात खत्म हो गई। और आमिर भाई आप बता रहे थे और भी जानवर आपके जो है वो आ रहे हैं? एक नागरा बकरा है, वो मेरा बकरा भी समुद्री में है। जी जी, वो 4 दांत है जी, वो मेरा बकरा और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हाइट अभी 47 है। माशाल्लाह 47 जी। और एक मेरे पास एक और छोटा बकरा है, वो इसकी मदर को इस बकरे ने क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, इसकी मदर को इस बकरे ने क्रॉस किया हुआ है, उसका बच्चा जी। और इन दोनों बकरों का बाप एक है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक है। हाँ जी। और जो लास्ट टाइम आपके पास गोल्डन था उसका बाप? जी, उन इन तीनों बकरों का बाप एक है। तीनों बकरों का बाप एक ही। जी माशाल्लाह से ये सर्टिफिकेट और ट्रॉफी है जी, ये देख सकते हैं आप ऊपर, इंटरनेशनल गोल्डन बुल फेस्टिवल। ये देखें जी सर्टिफिकेट है, आमिर डोगर भाई का नाम भी लिखा हुआ है। बी कैटेगरी में इसने पार्टिसिपेट करना था जो कि कैटेगरी कैंसिल हो गई थी, और लेकिन ट्रॉफियाँ और सर्टिफिकेट सबको मिले हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत है जी आमिर भाई की, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अप्रिशिएट करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स करें आमिर भाई के लिए अच्छे अच्छे जी। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को आमिर डोगर भाई के शौक की वीडियो अच्छी लगी होगी। आमिर भाई खुद इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और एक जी बहुत अच्छे शौकीन हैं, और ये शौक जो आपको दिखाया आमिर भाई का छत का शौक है, माशाल्लाह छत पर इन्होंने तैयार किए हुए हैं ये। आमिर भाई के लिए भी लाजमी कुछ ना कुछ लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।